हॉला मेरे अमीगुस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आजकल मैं पोर्चुगल के छोटे छोटे शहर एक्सप्लोर कर रही हूँ और आज मैं आई हूँ द सिटी ऑफ लव अमारेंथ में, जो कि पोर्टो डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो चल कर के देखते हैं कैसा है ये शहर। और यहाँ मेरे पीछे पता है आपको क्या लिखा है? यहाँ लिखा है तयाम दिया इंक्रेविल, मतलब कि हैव अ इनक्रेडिबल डे एब्सोल्युटली विद मी, लेट्स गो अमुसला। और यहाँ मेरे पीछे है अमारंथ का बोर्ड, जहाँ पर लिखा है कलरफुल से अक्षरों में अमारंथ सिटी ऑफ लव। मैं हूँ यहाँ पर सिटी के पोस्टल कार्ड प्लेस पर, जिसका नाम है पोंट दे गोंसालो, गोंसालो ब्रिज। और यहाँ पर है मेरे पीछे चर्च, जो भी सेंट गोंसालो के नाम पर ही है, लेकिन अभी इसका रिनोवेशन चल रहा है तो अंदर नहीं जा सकते हैं, बाहर से इसका व्यू लिया जा सकता है। और ये पॉन्ट जो है, ये जो ब्रिज है, वो बहुत ही पुराना है। और ये रिवर है, यहाँ पर रिवर है रियो तमेगा। यहाँ पर पहले जो साओ गोंसालो है, यहाँ पर जो ये ब्रिज बन रहा था, तो ब्रिज बनाते वक्त पानी सब खत्म हो गया और वर्कर्स के लिए पीने के लिए पानी नहीं था। तो उन्होंने साओ सेंट गोंसालो से कहा कि पानी नहीं है पीने के लिए। तो उन्होंने एक रॉक पे, एक चट्टान पे हाथ मारा और वहाँ से क्रिस्टल क्लियर पानी निकल करके बाहर आया। तो किसी वर्कर ने कहा कि अगर पानी ना हो करके यहाँ पर वाइन होता तो बड़ा अच्छा होता। सेंट गोंसालो ने दूसरे रॉक पर हाथ मारा और वहाँ से वाइन बहने लगा। तो आपने मेरे वीडियोस में देखा ही होगा कि पोर्टो जो है वो वाइन के लिए फेमस है। तो यही एक रीज़न है कि यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर पानी है। चलिए आगे चलकर और सब देखते हैं। और ये ब्रिज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि फ्रेंच जो थे वो यहीं से एंटर हुए थे पोर्चुगल में, जिसको फ्रेंच इन्वेजन के नाम से भी जाना जाता है। अब बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पर गाड़ियाँ भी चल रही है और ये आइकॉनिक प्लेस है जहाँ पर हम लोग फोटो ले सकते हैं और वीडियो ले सकता है। तो बहुत ही ध्यान से चलना पड़ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ऐसे टेलीफोन बूथ भी लगे हुए हैं, कितना पुराना है ये शहर। तो वैसे यहाँ पर पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना बहुत जरूरी नहीं है अगर ज्यादा लोग नहीं हैं तो, लेकिन अभी मैं म्यूजियम में एंटर कर रही हूँ इसलिए मैंने मास्क लगा लिया है। और इसकी टिकट है सिर्फ 1 यूरो। तो देखने में क्या जाता है, ठीक है, चल करके देखते हैं कैसा है। तो यार ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ टाइल्स और ये फिगर्स ये सब रखा है और यहाँ इनको नंबर्स दिया हुआ है कि कौन से नंबर पे क्या है और कितना पुराना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 64 नंबर अगर हम देखें तो ये लिखा है यहाँ, ये कौन सा सेकुलर है यार, ये 18 सेंचुरी का है। ऐसे सब यहाँ पर और टाइल्स प्लेट्स।
ये क्या बाल विवाह का कुछ कॉन्सेप्ट है क्या? हाँ यार, ये चाइल्ड मैरिज ही है बाल विवाह। किसने सिंदूर लगाया और ये सब, ये कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, वो जंजीर है, बंधन है, ऐसा ही कुछ। This cannot be ignored because this is a symbol of fertility. मुझे ना भूख लगने लगी चलते चलते यहाँ पर, और कुछ भी एगलेस नहीं मिल रहा था, तो मैंने सुपरमार्केट ढूंढा है। उसके लिए ऊपर चल करके जाना है, और देखिए यहाँ पर रास्ते में कितने अच्छे नज़ारे हैं। चलिए चलकर कुछ खाते हैं। तो फिर से एनर्जी आ गई है, अब जाकर के देखते हैं हम लोग सनसेट। अभी मैं जा रही हूँ वहां ऊपर और अच्छा सा व्यू लेने के लिए। तो वो वहाँ पर है म्यूज़ियम जहाँ पर मैं गई थी, और ये है यहाँ पर चर्च जो कि बंद है, बट बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। आगे जा कर के देखते हैं। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यार, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। ओ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए अमार आन अमरंत इट्स टू लव, अगर आंत को हटा दे तो। नाइस। तो ये यहाँ से स्टेयर्स हैं जो नीचे जाएंगी, और वॉक करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। इट्स नाइस प्लेस टू बी।
यार एक फनी चीज हुई, मैंने जो बताया था पहले कि वो स्टेयर्स नीचे जा रही है, वो एक्चुअली वॉशरूम था, और स्टेयर्स जो कि पुल के नीचे वॉक करने के लिए, वो इधर की साइड है। तो चलिए चल करके देखते हैं। मेसमराइजिंग व्यू के साथ में इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं आऊँ आपको पता लग जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।